You are watching JK News. पूंछ जिले की तहसील मंडी के लोरंग ऐसा गांव है जो खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ गांव है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच में जब लोरंग वैली में आप इंटर करते हो तो दिल खुश हो जाता है। खूबसूरत पहाड़, उनके ऊपर पड़ी बर्फ, खूबसूरत नदियां, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आज हम बात कर रहे हैं तहसील मंडी के इस लोरन गांव के बटलकोट की। जैसा कि आपको मालूम ही है कि बटलकोट में साईं इलाही बख्श जी की जियारत है, जिस पर हर साल 2 दिन का उर्स मनाया जाता है। आज उर्स का दूसरा दिन था, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस उर्स में सिर्फ पुंछ जिले के नहीं, रजौरी, जम्मू कश्मीर, बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में सभी समुदाय के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ज्यारत कमेटी वक्फ बोर्ड की तरफ से ज्यारत पर आने वाले सभी लोगों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। आज यहाँ हजरत साईं इलाही बख्श रहमा के 49वें उर्स पाक का दूसरा दिन था। कल भी कसीर तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत की। सुबह जो है कुरान पाक की तिलावत की गई, उसके बाद खत्मातुल मुअज्जमात और फिर तबरुक तकसीम किया गया, और आज भी जो है उलमाए किराम के बयानात हुए, बादहु दुआ की गई और फिर लोगों को या लंगर खिलाया गया। अभी भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं कसीर तादाद में। हम पैगाम देंगे नाजरीन को कि ये बहुत एक अच्छी जगह है, और ये वली कामिल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगजीदा और मकबूल वली हैं। यहाँ पर आएंगे आप तो इंशाल्लाह आप दिली सुकून महसूस करेंगे। यहाँ देखा गया काफी दूर से भी लोग आ रहे हैं, जम्मू से नहीं, जम्मू से बाहर से भी, तकरीबन हाँ जम्मू कश्मीर से तो खैर आते ही हैं, पंजाब, यूपी, दिल्ली, बिहार, अमृतसर, पंजाब वगैरह से भी बहुत सारे लोग उर्स के मौके पर तो ज्यादा लोग आते हैं और आगे पीछे भी आते रहते हैं। क्या पैगाम क्या देना था? पैगाम हम यही देंगे, पैगाम इनका भी यही है, हजरत साईं इलाही बख्श का आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद, एक दूसरे के दुख दर्द का जो है वो एहसास हो और आपस में चैन, सुकून और मोहब्बत के साथ जो जिंदगी गुजारी जाए। इंसानियत का दर्स ही इनका भी दर्स था और वही पैगाम हम भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जी बिल्कुल, आज हजरत साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह का दो रोजा उर्स मुबारक आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से ओवरऑल सुपरविजन जो है वो हमारी ऑनरेबल चेयरपर्सन जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड मैडम दक्षिणा अंद्राबी की जानिब से, और हमारी जो डायरेक्शन थी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड यूनिट डिस्ट्रिक्ट पुंछ मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब की, यहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो है वो कमिटेड था कि जितने भी जायरीन आए उनको हर किस्म की जो है वो फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाए, जिनमें उनके रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज का बंदोबस्त जो है वो हमने करवाया था। और यहाँ पे ये बहुत दूर दराज का इलाका है बटलकोट का, जहाँ पे लोग जोग दरजोग जो है वो एक अकीदत से जो है वो हजरत साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर जो है वो मन्नतें मांगते हैं, और एक अकीदत से जो है वो ना सिर्फ यहाँ पे तशरीफ लाते हैं बल्कि यहाँ पे जो है वो खिदमत भी करते हैं, जिसे वो सेवा समझते हैं। तो कहाँ जाते लोग? जी बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे हर किस्म के और हर मजहब के लोग जो है वो यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। इस बार जो है वो हमारे पास पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू से, और खास करके हमारे पुंछ जिला के जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, तो इस बार तो बहुत ज्यादा जो है वो हमें यहाँ पे हजूम देखने को मिला और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दर्शन के लिए जो है। मैं डिस्ट्रिक्ट जामा मस्जिद का नायब इमाम पुंछ से अभी आया हूँ। आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं हजरत साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह बटलकोट लोरन के अंदर। तो आज ये 2 दिन उर्स यहाँ पे चल रहा है, तो उर्स का दूसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये अल्लाह वालों की इतनी करामते हैं कि यहाँ हर मजहब के मानने वाले, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नतें रखते हैं, अल्लाह के हुजूर में अपने इस वली का वसीला लेकर दुआ मांगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ सारे आए हैं, हमने अपने मुल्क की अमन शांति, भाईचारगी के लिए दुआ की है,
उसके अलावा पूरे मुल्क के लिए दुआ की है, अपने समाज के लिए की है, बिलखसूस अपने जम्मू कश्मीर के लिए दुआ की है और पूरे हिंदुस्तानी वासियों के लिए अमन, शांति, भाईचारगी और इत्तेहाद और इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करने की दुआएं की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औलिया अल्लाह के मज़ारात पर आकर बड़ा सुकून हासिल होता है और हर मजहब के मानने वाले यहाँ पर आते हैं और अपने अपने दिल की तमन्नाएं जो यहाँ अपने अल्लाह के वली की बारगाह में लेकर आते हैं वो यहाँ पर पूरी होकर वापस यहाँ पे जाते हैं। ये अल्लाह वालों की करामतें हैं कि यहाँ पर लोग अपनी मुरादें लेकर के आते हैं। इस मौके पर मैं इंतजामिया का और तमाम ज़ायरीन का और बिलखसूस मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस दूर दराज इलाके पर पहुँच कर इस जगह को भी मीडिया के नज़रों में लाया है और दुनिया के सामने जो है पेश किया है। इस पर मैं आप तमाम जी, मैं पुंछ से आया हूँ और यहाँ पर आज उर्स है साईं लाई बख्श बटरकोट में, तो और बहुत सारे लोग आए दूर दूर से, जम्मू से, हरियाणा से, पंजाब से, बहुत हर मजहब के लोग आए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा सर। तो मतलब हिंदुइज्म से भी आए, सिख से, सिखइज्म वाले भी आए हमारे भाई, और हम भी आए, बहुत दूर दूर से आए, और सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर हमारा आना। क्या कहना सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर यहाँ पर आओ औलिया वलिये के आना चाहिए सर, सवाब का काम है और हम सवाब सवाबदार से हासिल करते हैं हम, और अच्छा फ़ायदा होता है सर यहाँ। ये साईं इलाही बख्श जी की दरगाह पे हम आए हुए हैं आज, आज उर्स है यहाँ पे, दो दिन से जो चल रहा है 16 और 17 तारीख से, और ये हमारा सौभाग्य है ऐसी नगरी में, ऐसी देवभूमि में हम प्रकृति के सांगन में और प्रकृति के वैभवशाली नज़ारे के बीच में दरगाह की स्थापना हुई है। हर धर्म हर पंथ के लोग हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। जहाँ तक मैंने अध्यात्म को समझा है, अध्यात्म का कहीं भी पंथ के साथ कोई लेना देना नहीं, किसी फेथ के साथ कोई लेना देना नहीं। फेथ एक ही है, वो जो हमारा मानवता का धर्म है, जो प्रकृति ने हमें एक मनुष्य रूप में जन्म दिया है और हमारे मनुष्य रूप में रहते हुए जो हमें कार्य दिए हैं उन कार्यों को हम यहाँ पे आके धर्म अनुरूप यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे हमारे संत समाज जो है, जब ऐसी दरगाहें बनाई जाती है, ऐसे मंदिर मस्जिद बनाए जाते हैं उनकी याद में, तो एक अलग ही वैभवशाली वाइब्रेशन और ओरा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और उसी का आनंद लेते हुए आज दूसरा दिन है और अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम एक श्रद्धालु के रहते हुए, एक श्रद्धालु के नाते यहाँ पे हम आएंगे और हम धन्यवाद देते हैं इस जनता का, इस प्रकृति का, इस जगह का, कि हमें ऐसी जगहों पे आने का हमें